बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, के दर्द अपना किसे अब सुनाए, सुनो रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए, सुनो। वर्ल्ड बेस्ट शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब जब देश के सेंसिटिव मुद्दों पर कोई नज़्म पढ़ते हैं तो वो दिल को चीरते हुए जाती है, एक सदमा सा लग जाता है कि ये हमारे देश की हकीकत है। कोलकाता में जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ हुआ उस केस को मद्देनज़र रखते हुए इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने एक नज़्म लिखी है और पढ़ी है, जिसका शीर्षक कुछ यूं है कि बेटियाँ जब सरेआम लुटती हैं तो। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये नज़म मैं डेडिकेट करती हूँ हर उस लड़की को जो रेप का शिकार हुई है, फिर मर्डर का शिकार हुई है, सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई है, और एस्पेशली डॉक्टर मौमिता देवनाथ फ्रॉम कोलकाता और 33 साल की हमारी नर्स बहन रुद्रपुर उत्तराखंड से, जिनका पहले रेप किया जाता है और फिर बहुत बुरी तरीके से मर्डर करके उन्हें फेंक दिया जाता है, और 16 साल की छोटी सी बच्ची उत्तराखंड से ही देहरादून आ रही थी वो, और रास्ते में 5 हैवानों ने उनके साथ, ऐसे माहौल को देख करके बुरा मत मानिएगा पर मुझे तो यही लगता है कि घर पे रहना सेफ है, बाहर निकलते हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। गलत नहीं कहते माँ बाप के रात को 7 बजे से पहले 8 बजे से पहले घर पे अंदर आ जाओ। आई नो हमको फ्रीडम संविधान ने दी है कि हम निकल सकते हैं बाहर, पर हमारी फ्रीडम को ना कुछ दैत्य छीन रहे हैं। चलिए इमरान सर को सुनते हैं, उसके बाद हम और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करेंगे। सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, के मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है, आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या तो कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है, वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी,
के हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, सलामत रखना मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे, एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह, थक गए आप लग रहा है मुझे, थके तो नहीं है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, और बाराबंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं, आप पहुंचे तो बाराबंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई सौ किलोमीटर, कई कई किलोमीटर से चल के यहां सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम, हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। परफेक्ट परफेक्ट, ऑल द हेटर्स, सबके लिए एकदम सही है ये। और मेरे पुरखों की, मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। के दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो,
रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। पीएल पुनिया जी चले गए शायद, अरविंद सिंह गोप जी और भाई साहब बैठे हैं। मैं इस नज्म को पार्लियामेंट में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ने दिया गया, फिर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह गांधी स्टैचू पे बैठे, कई सांसद हम लोग रात में वहां बैठे, और रात के 11:30 बजे गांधी की स्टैचू के सामने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मैं ये नज्म पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर दुनिया खामोश हो उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। के दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कमजोर तालियां हैं, उस सूबे को हौसले के लिए आपकी दुआएं चाहिए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, लगे कि बाराबंकी में एक बड़ा अवाम, बड़ी तादाद में अवाम थी जिसने उस सूबे के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए, जहां से उनका कोई जज्बाती रिश्ता भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं दुआ दे करके, एक बार ताली बजा करके मुझे इस नज्म के लिए हुक्म दे। के दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां अब दिखाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। के सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या कहूँ के मेरा कौन हमदर्द है, सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताए मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। के सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताए मेरा कौन हमदर्द है, क्या बताए मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब। के सामने आईने के जो होते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कमजोर तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं। के सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, किसका दर्जा के अब खट खटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो।
बहुत शुक्रिया बाराबंकी, बहुत शुक्रिया साजी विरासत। और जाते जाते इतना वादा करके जा रहा हूँ, इतना वादा करके जा रहा हूँ कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। मैं ये चार मिसरे खत्म कर लूं फिर सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा, परेशान ना होइए, आप तो बुजुर्ग आदमी है माशाल्लाह। बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, क्योंकि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। क्या बात है, इतने बेहतरीन शायर और अच्छे दिल के इंसान, यही लोग तो हमें चाहिए राजनेता के रूप में। कंगना रनौत, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, ये एक्टर्स नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एक्टिंग प्रोफेशन गलत है, पर भाई पार्लियामेंट में खड़े होके जनता के जज्बातों के साथ खेल करके आप एक्टिंग करोगे तो दिल तो दुखेगा ना। और सही बात बोली हमारे भाई इमरान ने, कैसे नींद कैसे आ जाती है जब देश की बेटियों के साथ इतने हीनियस क्राइम्स हो जाते हैं, एंड द पीपल इन पावर जो जस्टिस दिलवा सकते हैं हमारी बहनों को वो बैक ऑफ कर देते हैं। हाकिमों की बात कर रहे थे ना ये, और उन दरिंदों की भी बात कर रहे थे, कैसे अपनी शक्ल शीशे में देख भी कैसे लेते होंगे यार। कोई चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मना कर रहा है, तब भी तुम उसके साथ फोर्सफुली गलत काम करने में लगे हुए हो, एंड अल्टीमेटली आप उस इंसान का मर्डर ही कर देते हो। इतनी हैवानियत आपके अंदर सवार हो गई है कि बस यूज एंड थ्रो समझ लिया है ना एक औरत की बॉडी को, तो इन दरिंदों ने इस्तेमाल करेंगे, फेंक देंगे। और इन्हीं की वजह से इतने सारे मर्द जो अच्छे होते हैं उनको भी शक की निगाहों से फिर औरतें देखने लगती हैं। अगर 5-7 लड़कों का ग्रुप एक सुनसान सड़क पर कोई लड़की देख ले और वो वहाँ से अकेले जा रही है, हो सकता है वो सारे लड़के शरीफ हैं पर अंदर उसको डर लगेगा क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना। और हाँ, ये नफरत को आम करने वाली सरकार के खिलाफ जो पाकिस्तान का टिकट पकड़ाती रहती है ना मुस्लिम्स को, उनके लिए भी बहुत अच्छा इमरान सर ने बोला। और वो सभी लोग जो यहाँ तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, भाई अच्छे दिल वाले नेक इंसान हो आप कि इमरान सर की सोच से आपकी जो मेंटालिटी है वो मैच करती है, तभी आप इनको सुन पाए। अदरवाइज अभी मोदी जी का स्पीच चल रहा होता सुन लेते, नहीं ना। निर्भया केस के बाद अभी जो कोलकाता से वारदात हमने सुनी है, जो एक्सप्लेनेशन हमने सुनी है, दैट स्टेज इन द माइंड, नहीं निकलेगी, शायद कभी मरते दम तक भी नहीं निकलेगी। आई रियली होप दे आर इन अ बेटर प्लेस राइट नाउ, क्योंकि ये जगह तो दूषित हो चुकी है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।